शाही स्नान का प्रयागराज संगम से प्रातः 6 बजे से सीधा प्रसारण। देखिए 4 फरवरी 2019 को डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी यूपी पर लाइव स्ट्रीम ऑन youtube.com/दूरदर्शन नेशनल। नाचे गाए गुनगुनाए फिल्मी गीतों के साथ, देखना ना भूलें सिने संगीत सुबह 7 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी नेशनल पर। छोटे सपनों की बड़ी कहानी, आम चेहरों की जुबानी, हकीकत में बदलते ख्वाब, एक अनूठा रियलिटी शो। भागे रही है देश की श्रेष्ठ महिला किसान, जननी से जननी के मिलन का उत्सव। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं की समस्या एवं कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल श्री भारत भूषण श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ता कानून एक ऐसा कानून है जो आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और इसमें किस उपभोक्ता कौन कहलाता है और किस तरह की समस्याएं आती हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1800-233-0040। दूसरा नंबर है 07-55-26-00-49। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040-07-55-26-00-49। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्रीवास्तव जी, शुरुआत करते हैं उपभोक्ता कानून से कि ये कानून क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। उपभोक्ता, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा उपभोक्ता क्या है जी। बालक जन्म से लेके और व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत कोई ना कोई वस्तु क्रय करता है, कोई सेवाएं लेता है। बच्चे का आज अस्पताल में जन्म होता है, वहीं से हम सेवाएं प्रारंभ करते हैं। बाजार से हम कोई भी वस्तु क्रय करते हैं, टीवी खरीदते हैं, कोई भी सामान लेते हैं। तो हर व्यक्ति जब कोई सामान क्रय करता है या किसी सेवा को प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता है जी। तो उपभोक्ताओं के विवाद जब कभी होते हैं जी, तो उनके बेहतर संरक्षण के लिए जी, ये उपभोक्ता कानून बनाया गया। इसमें उसको बेहतर संरक्षण मिल सके, जैसा कि इस एक्ट से ही हमको समझ में आता है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, उसको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। जो मूल्य देकर वो वस्तु क्रय करता है या सेवा प्राप्त करता है, व्यापारिक संगठन उसके साथ कोई ठगी या कोई दुराचार करते हैं, उसके साथ कोई कमी करते हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके उद्देश्य के लिए ये कानून बनाया गया। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो एक कानून में ही शब्द है उपभोक्ता संरक्षण जी, किसी भी उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए है ये कानून बनाया गया है। तो ये बड़ा बारीक शब्द है और जिससे इसका पूरी व्याख्या और इसका अर्थ समझ में आता है। आपने बताया कि उपभोक्ता की परिभाषा में हर वो व्यक्ति आता है जो कोई वस्तु क्रय करता है, सेवाएँ क्रय करता है। चूँकि आप जिला फोरम में अध्यक्ष हैं और आप इस तरह के प्रकरण देख रहे हैं, तो किस तरह के केसेस आते हैं उपभोक्ता न्यायालयों में, किस प्रकार के प्रकरणों की संख्या होती है? चित्रा जी, आप देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के जहां हमने मूल्य देकर कोई वस्तु क्रय की है जी, उसका कोई भी मूल्य हो,
या कोई सेवा प्राप्त की हो, जैसा मैंने आपको बताया हमने बाजार से टीवी क्रय किया, फ्रिज क्रय किया जी, एक छोटे छोटे आइटम दैनिक उपयोग की वस्तु अपन क्रय करते हैं, चाहे वो जूता है, कपड़े हैं, साड़ी है जी, क्या कोई भी सामान क्रय करते हैं या फिर हम सेवाएं लेते हैं जी। सेवाएं जैसे हम बैंकिंग सेवा लेते हैं, हम बीमा कंपनी की सेवा लेते हैं, विद्युत कंपनी की सेवा लेते हैं जी। जहां हम उनको शुल्क देते हैं और उसके अगेंस्ट वो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। ये सब सेवा के दायरे में आते हैं। तो ऐसे कोई भी वस्तु क्रय करना या सेवा लेना और इसमें कोई भी कमी आती है तो वो इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मैटर आता है जी। मतलब आपके उपभोक्ता फोरम में सभी तरह के प्रकरण आ रहे हैं चाहे वो जी। तो उपभोक्ता फोरम में जी हम देख रहे हैं जी, अब तो हर प्रकार के मामले आते हैं, जैसे वाहन क्रय करते हैं उसमें कोई कमी आई जी, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्रय करते हैं, कपड़ा क्रय करते हैं, उनमें कपड़े का कलर फेंट हो गया, छोटा हो गया, या किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है। और सर्विसेज में हम देखते हैं कि किसान बीज क्रय करता है, आपके ये ट्रैक्टर क्रय करते हैं और दूर तक जहाँ तक लोग बाग वस्तु क्रय करते हैं और उसमें कमी आती है तो वो हमारे उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत आके केसेस लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है शास्त्री जी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के केस आते हैं तो सवाल ये निकल के आता है कि फिर सहायता किस तरह से इस कानून में दिलाई जाती है, जो भी उपभोक्ता आते हैं तो उनके प्रकरणों के हिसाब से उनको किस तरह की सहायता का प्रावधान किया गया है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में तीन प्रकार की सहायता दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है जी। कोई भी हमने वस्तु क्रय की जी और उसमें कोई खराबी आती है तो सबसे पहले तो उसको वो सही करके दे जी। जैसे हमने एक टीवी लिया और वो कुछ कलर छोड़ गया, या हमने एक फ्रिज दिया ठंडा करना बंद कर दिया, वारंटी पीरियड में है तो हम उसकी कंप्लेंट करेंगे, तो वो सबसे पहले उसको सही करके देगा जी। यदि वो सही नहीं कर सकता तो उसी मॉडल का, उसी क्वालिटी का आपको दूसरा आइटम देगा, वही टीवी जी। और ये दोनों नहीं कर सकता तो वस्तु का मूल्य वापस करेगा। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के जो है सहायताएं क्रम बार हैं जो प्रदत्त की जाती हैं जी। शास्त्र जो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, कॉलर है जबलपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं जी। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर साल 15 मार्च को जो उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यक्रम मनाया जाता है उसको पेपर में ठीक से देना चाहिए और टेलीविजन में भी ठीक से देना चाहिए, आपके यहाँ से भी ठीक से बताना चाहिए जिससे कि हमको पता चल सके और किस स्थान पर मनाया जा रहा है। किंतु पहले जबलपुर में आप थोड़ा सा जोर से बोले, आपकी गार्डन में आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आधा सवाल समझ में आया है, टीवी का वॉल्यूम कम करें, उपभोक्ता संरक्षण दिवस के मनाए जाने के बारे में आपका सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मनाया जाता था जी, किंतु उसके बाद लगता है हमारा संपर्क कट गया है। शास्त्र जी, इनका ये कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, तो पहले ये बता रहे हैं कि जबलपुर के रहने वाले हैं तो वहाँ पे रानी विद्यावती कोई जगह थी, यूनिवर्सिटी वहाँ पे मनाया जाता था। अब इनको ये जानकारी, जहाँ तक इनका सवाल समझ में आता है कि अब इनको ये जानकारी नहीं होती कि कहाँ मनाया जा रहा है, तो इसके लिए लोगों तक ये बात पहुंचे और वो इसका लाभ ले सकें, कहाँ संपर्क कर सकते हैं और इनका सुझाव है कि ये चीज़ें पेपर में और उसमें आना चाहिए। हालांकि ये सरकार से जुड़ा विषय है, सरकार इसको करती है, पर चूंकि हम भी उपभोक्ता फोरम से हैं और उपभोक्ता फोरम भी इसमें सहयोग करता है, बिल्कुल इसके बारे में जानकारी चाहिए। चूँकि आप कॉलर जबलपुर से हैं जी, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इसके लिए आप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आयोग का कार्यालय है जबलपुर में, वहाँ संपर्क करें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक ज़िले में और राज्य स्तर पर ये कार्यक्रम करते हैं। वो निश्चित रूप से उपभोक्ता दिवस के दिन पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से कराएंगे। इसके अतिरिक्त आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में या जिला उपभोक्ता फोरम के जो वहाँ कोर्ट हैं, बेंच नंबर 1-2, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं,
तो ये आपका निश्चित रूप से हो सकता है। जहाँ तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में करेंगे तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वापस वो अपना प्रोग्राम उपभोक्ता दिवस पर रख सकते हैं। अशोक जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आप वहाँ लोकल में अगर संपर्क करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और समय समय पर सरकार भी इसके बारे में न्यूज़पेपर में और टीवी के माध्यम से सूचनाएं देती है। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ लाइन पे हैं, समय हो रहा है अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस चर्चा पे आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन दो हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। ए सुमन, आजा ले ले चूड़ियां। वो क्या है ना चाची, तीसरा महीना है तो थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ। अरे सरकारी अस्पताल में जांच और डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त है। सच्ची? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज, और बच्चे के लिए एक साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और एक साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। मैडम सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आपको बेटी हुई है, मुबारक हो। मुबारक हो सोमिन, मुबारक हो, चाचा बन गया तू, छोरी हुई है छोरी। अरे छोरी तो ठीक है, पर बापू ने क्या बोलेगा अब? बापू नमस्ते, छोरी हुई है बापू। छोड़ो, छोरी हुई सर। अरे फिर लड्डू बांटने तब बनते इसे ना। घर में बेटी होना किसी त्योहार से कम है क्या? ये है नए भारत की नई बेटियाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे आ घर, रात से मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक जा रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल लेके जाना, वहाँ एक साल तक बच्चे का इलाज मुफ्त होता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज, और बच्चे के लिए एक साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और एक साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की समस्याएं और कानून पर। एक बार फिर याद दिला दें, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल श्री भारत भूषण श्रीवास्तव जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। श्रीवास्तव जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपने बताया था कि थ्री टायर सिस्टम होता है जो रिलीफ का है, वो तीन तरह की सहायता का प्रावधान है। पहला, कोई चीज़ बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के आदेश दिए जाते हैं, यदि नहीं हो सकती, सुधार नहीं सकती तो बदलने के, और यदि बदल नहीं सकती तो पैसा वापस करने के। तो कई बार ये देखने में आता है कि जैसे कोई गाड़ी है, कोई वाहन है या कोई मशीन है, तो अगर वो सामने वाला कह रहा है कि ये नहीं चल रही है या इसमें बार बार खराबी आ रही है, और जिससे खरीदी गई है वो कहता है कि नहीं ये ठीक है, तो ऐसे में फिर ये कैसे तय होता है कि वो वाहन, वो चीज़ सही में काम कर रही है कि नहीं, इसको कैसे आप असेस करते हैं? देखिए, इसमें जब भी उपभोक्ता हमारे समक्ष आवेदन लाता है और इस तरह की शिकायत करता है, और विपक्षी उसको डिफेंड करता है कि नहीं नहीं वो ठीक है, तो उपभोक्ता के आवेदन पर या फोरम स्वयं स्वविवेक से इसमें एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ता है जी। जो टेक्निकल जांच करके ये रिपोर्ट देता है कि जो उसको वस्तु प्रदाय की गई है उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योरेबल यानी सुधारे जाने योग्य डिफेक्ट है या नहीं सुधर सकता जी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसको फिर उसको वापस बदल के नहीं देनी पड़ेगी जी। कोई छोटे क्योरेबल डिफेक्ट हैं तब हम उसको आदेश करेंगे कि आप इसको सही करके वापस दीजिए इसको जी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और क्योरेबल नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकता, तो उसको नई वाहन या नई मशीन देनी पड़ेगी जी। या फिर उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी।
जी बिल्कुल, आपने बहुत सही जानकारी दी हमारे दर्शकों को। श्रीवास्तव जी, अभी सब जगह हम देखते हैं कि लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होता है और न्यायालयों में समय समय पर प्रचार किया जाता है कि भाई लोक अदालत के माध्यम से आप अपने प्रकरण सुलझा सकते हैं। क्या उपभोक्ता फोरम के प्रकरण भी लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं जी। और हम लोगों का तो प्रयास है, अभी जो एक नया एक्ट आने वाला है उसमें मीडिएशन का प्रोविजन किया जा रहा है, हम लोग हमारे यहाँ उसको अभी भी करते हैं जी। अभी पूरे मध्य प्रदेश में राज्य विधिक नेशनल सॉरी स्टेट लोक अदालत स्टेट कमीशन की तरफ से 9 मार्च 2019 को राज्य स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले के जिला फोरम में और स्टेट कमीशन में जो भी केसेस पेंडिंग हैं इसमें समझौते के आधार पर लोक अदालत के दिन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में मेरा जो भी दर्शक सुन रहे हैं जिनके मामले मध्य प्रदेश के किसी भी फोरम में पेंडिंग है उनसे मैं यह अपील करूंगा और ये सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में जागृति लोगों को जानकारी देवे कि 9 मार्च 2019 को पूरे मध्य प्रदेश में उपभोक्ता फोरम की लोक अदालत का आयोजन है, यहाँ एमिकेबली आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जा सकेगा अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मामले लोगबाग इसमें अपने निराकरण करा सकते हैं। नए भी कोई विवाद होंगे और समय पर उनमें नोटिस होकर तामील हो सकती है तो उन विवादों को भी लोक अदालत में लिया जा सकता है। ये लोक अदालत जैसा सब जानते हैं एक बहुत ही अच्छा फोरम है जिसमें दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बिगड़ते और मामले का निराकरण हो जाता है, तो निश्चित रूप से 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकते हैं। श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि 9 मार्च को राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम की लोक अदालत लगाई जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति जो उपभोक्ता है अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहता है तो उसको कहाँ कैसे संपर्क करें वो? जिस भी जिला फोरम में उसका मामला चल रहा है जी, जैसे भोपाल में अगर मामला है तो भोपाल जिला फोरम में आकर वो अपना केवल एक मौखिक हमको भी बताएगा तो हम उसके प्रकरण को निकाल करके और जो लोक अदालत की एक प्रक्रिया होती है सामने वाले पक्षकार को बुला के दोनों को बैठा के मीडिएशन करके बातचीत करके तय हो जाता है तो उसका एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो भरवा के और 9 मार्च को उसका मामला निराकृत कर दिया जाएगा। जिस भी फोरम में मामला पेंडिंग है यदि स्टेट कमीशन में पेंडिंग है तो स्टेट कमीशन में और 9 मार्च तक जब तक लोक अदालत 9 मार्च को लोक अदालत होनी है तब तक हम प्रत्येक दिन 3 बजे के बाद इसकी प्री सीटिंग करते हैं। आप कभी भी फोरम में आ सकते हैं और अपने मामले को लोक अदालत में लिए जाने के बाबत कह सकते हैं जी। पूरे मध्य प्रदेश के फोरम में जो अध्यक्ष हैं उनके पास हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और जिनके प्रकरण हैं वो 3 बजे के करीब जाके और अपना प्रकरण रखवा सकते हैं जी। किसी भी समय आ जाएं, हम 3 बजे के बाद उसमें डेली बेसिस पर प्री सीटिंग करेंगे तो उसमें मामले को टेकअप कर सकते हैं, सामने वाले पक्षकार को 2-3 दिन में बुला के दोनों पक्षों को बैठा के उसका समझौते का प्रयास करके निपटाने का कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। और जहाँ तक जो इस तरह के मामले होते हैं कि छोटे छोटे हैं, मोबाइल के हैं, किसी चीज़ को सुधारने के हैं, तो इस तरह के प्रकरण बहुत अच्छी तरह से इस तरह की अदालतों में निराकृत हो सकते हैं। थोड़ा सा पक्षकार इंटरेस्ट लें तो काफ़ी मामले इस लोक अदालत के माध्यम से सेटल किए जा सकते हैं जी। आवश्यकता केवल पक्षकारों के आपसी सामंजस्य की और समझ की है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। श्रीवास्तव जी, हम अगर बात करते हैं उपभोक्ता फोरमों की तो कोई भी केस दायर करने के लिए जो समय सीमा होती है वो क्या होती है और वो कहाँ कैसे शुरू होती है वो? जी, जब भी हम कोई वस्तु क्रय करते हैं या कोई सेवा लेते हैं और उसमें कोई कमी हम पाते हैं जी, तो उसकी शिकायत करने से 2 वर्ष के अंदर हम वाद ला सकते हैं जी। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे बीमा क्लेम्स के मामले होते हैं जी, बीमा संबंधी जो मामले होते हैं और जब हम बीमा के लिए अप्लाई करते हैं जी, तो और जब वो खारिज करते हैं उस दिनांक से 2 वर्ष, क्योंकि वो अगर पेंडिंग पड़ा रहा जी, क्योंकि आपका कॉज ऑफ एक्शन तो आज से चालू हो गया बिल्कुल, लेकिन वहाँ डिसाइड नहीं हुआ, वहाँ उन्होंने 2 साल लगा दिए,
तो जिस दिन वो डिसाइड करेंगे कि हम आपका ये क्लेम नहीं दे सकते, ये इसको रेपुटेट किया जाता है, खारिज किया जाता है, उस दिन से लेके वो आपको जिस दिन संसूचित हो जाएगा वो वहाँ से लेके 2 वर्ष। सामान्य रूप से जब हमारे हमने कोई टीवी क्रैक किया है और 3 महीने के बाद वो ख़राब हो गया, हमने उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई, 1 महीने के अंदर उन्होंने आपको सही करके नहीं दिया, तो ख़राब होने से ही आप समझ लीजिए 2 वर्ष के अंदर आप कभी भी फॉरम में ये दावा ला सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जिस दिन सामने वाले ने उसको मना किया कि नहीं वो नहीं करके दे रहा है, वाद कारण शुरू हो जाता है, वाद कारण शुरू और जी और 2 वर्ष की अवधि तक वो ला सकते जी। और इंश्योरेंस कंपनी में जिस दिन वो ये कहती है कि तुम्हारा क्लेम हम इस कारण से नहीं दे सकते तब से शुरू होगा, तब से 2 वर्ष जी। बिल्कुल, अब हम बात करें कि जो क्षेत्राधिकार होता है किसी भी न्यायालय का फोरम का, तो चाहे हम उसमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें या टेरिटोरियल की करें, तो वो क्षेत्राधिकार क्या है, कोई भी व्यक्ति कहाँ प्रकरण दायर कर सकता है और कितनी सीमा तक का, कितनी राशि तक का क्लेम कहाँ दायर हो सकता है? चित्रा जी, इसमें 2 क्षेत्राधिकार के विषय में 2 बिंदु हैं जी। एक आर्थिक क्षेत्राधिकार और एक सुनवाई का क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार का वर्तमान में स्थिति ये है कि 20 लाख रुपए तक के मूल्य के दावे जिला फोरम में सुनवाई योग्य हैं, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक के दावे राज्य आयोग में सुनवाई योग्य हैं और 1 करोड़ से ऊपर के समस्त दावे नेशनल फोरम राष्ट्रीय आयोग की सुनवाई के योग्य हैं। 20 लाख तक के दावे जिला फोरम में हम लोगों के समक्ष आते हैं, उसमें मैं यहाँ एक पॉइंट और क्लियर करता जाऊँ जी, कोर्ट फीस का जो प्रोविजन है कि 5 लाख तक के दावे पर आपको किसी प्रकार का कोई न्याय शुल्क नहीं देना होता है जी। 5 लाख से 10 लाख तक 200 रुपये और 10 लाख से 20 लाख तक 400 रुपये, ये मात्र कोर्ट फीस है, यानी 5 लाख के दावे पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है जी। तो ये तो आर्थिक क्षेत्राधिकार हो गया जी। हम वस्तु जिस जगह क्रय करते हैं और विपक्षी जहाँ निवास करता है जी, सामान्य रूप से दावा वहाँ पेश किया जाता है। अभी जो एक अमेंडमेंट बिल संसद में पेंडिंग है, आशा है बहुत जल्दी ही वो पास हो जाएगा, उसमें आर्थिक क्षेत्राधिकार भी जिला फोरम का 1 करोड़ होने जा रहा है और दावा प्रस्तुत करने का अधिकार भी परिवादी जहाँ निवास करता है वहाँ हो जाएगा। किंतु अभी की स्थिति ये है कि आपने वस्तु जहाँ से क्रय की है या जिस जगह से आपने सेवा ली है और विपक्षी जहाँ निवास करता है वहाँ आप दावा दायर कर सकते हैं। एक पॉइंट जरूर मेरे इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत जमाना है, बिल्कुल जमाना है, ऑनलाइन परचेजिंग बहुत अधिक होती जा रही है और समय समय पर हमको दोनों तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि उसमें डुप्लीकेटिंग और माल की क्वालिटी खराब या इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। बिल्कुल, कई बार पेपरों में पढ़ने में आता है कि जो चीज़ कही गई थी वो नहीं निकली, कई बार सामान ही नहीं निकलता जी जी। और हम देखते हैं कि जो ये ऑनलाइन कंपनी है, आप कितना भी इनको मेल कर दीजिए, कितना भी लिखा पढ़ी कर दीजिए, फिर वो नहीं ध्यान देते हैं, तो आदमी चूँकि जानता नहीं है इस कारण से वो घर बैठ जाता है जी। इसके विषय में मेरा मानना है कि आप जहाँ रहते हैं, आपने जिस जगह से माल को ऑर्डर किया है जी, जिस जगह से आपने उसको पेमेंट किया है और जिस जगह आपको माल रिसीव हुआ है जी, वहाँ आप ये दावा दायर कर सकते हैं, वहाँ आपको क्षेत्राधिकार ये प्राप्त हो सकता है। मतलब अगर आज के टाइम में आप कोई ऑनलाइन चीज़ खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के खिलाफ भी आप केस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑर्डर किया है जी, तो वो वहाँ कॉज ऑफ एक्शन हो गया और जहाँ आपको उसने डिलीवरी दी है, पेमेंट भी आपने वहीं से किया, पेमेंट भी मैंने भोपाल से ऑर्डर दिया, भोपाल ने मुझे डिलीवरी हुई, भोपाल से मैंने पेमेंट दिया और भोपाल से मैंने उसको सामान लौटाया। तो इस कारण से भोपाल फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है जी। तो इसकी लोगों को अवेयरनेस, इसकी जानकारी होना आवश्यक है जी। श्रीवास्तव साहब, हम बहुत समय का अभाव है इसलिए हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि किसी भी उपभोक्ता को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, कोई भी चीज़ लेते समय या सेवाएं लेते समय उसे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है चित्रा जी, और बहुत समझ की बात है जी। आजकल इतना प्रचार प्रसार का ज़माना है जी, सेवाओं में जितने भी बीमा की सेवाएं हैं, मेडिकल की जो इंश्योरेंस है जी, इनकी पॉलिसीज हैं, या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु क्रय करने की भी है, उसमें प्रचार प्रसार बहुत अधिक होता है जी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो कोई वस्तु खरीदे तो बिल बहुत संभाल के रखें जी। इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए जी। श्रीवास्तव साहब, माफ़ी चाहेंगे हम, समय हमारा पूरा हो गया है, आज हमको प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि उपभोक्ता कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। और एक बात और जो आज हमारे एक्सपर्ट ने बताई कि 9 तारीख को राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरमों में लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण हो रहा है, तो आप लोग भी चाहें तो आपके कोई प्रकरण है आप उसमें निराकृत करवा सकते हैं। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।